से सक्रिय हैं। महिलाओं को लेकर वो कई घोषणाएं कर चुकी हैं, जैसे कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नया नारा था उनका। इसके अलावा आरक्षण जो है 40% वो दे चुकी हैं टिकट बंटवारे में। और इसके अलावा उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो उनकी सरकार आती है तो 12वीं पास जो छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, वहीं जो ग्रेजुएशन कर लेंगी उनको एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। तो इस तर्ज पर प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही हैं। मेन मुद्दा है महिलाओं का, महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं, महिलाओं से संवाद कर रही हैं, महिलाओं से सवाल कर रही हैं, महिलाओं के सवालों का जवाब दे रही हैं, उनके लिए आवाज़ बन रही हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, जिनको लेकर लगातार प्रियंका गांधी जो है मुखर नजर आती हैं। प्रियंका गांधी सक्रिय हैं बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जब से वो यूपी प्रभारी बनाई गई हैं तब से ही हमने देखा है कि सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक वो लगातार सक्रिय रहती हैं, हर एक मुद्दे को बनाने की कोशिश करती हैं, वहीं सरकार को भी आड़े हाथों लेती हैं। चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो लखीमपुरी मामला हो, हर मामले को वो प्रमुखता से उठाती है। चाहे वो आगरा का मामला हो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है इसको लेकर वो आवाज़ बनती है। अगर किसी दलित के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो उसकी आवाज़ लगातार प्रियंका गांधी बनती है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, आज प्रियंका गांधी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? दानिश, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? तो दानिश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है और शुरुआत जो है प्रियंका गांधी करेंगी और प्रियंका गांधी इसको आगे बढ़ाएंगी। लक्ष्य तय है करीब लाखों जो सदस्य हैं उनको कांग्रेस में जोड़ना है। देखिए, प्रियंका गांधी लगातार ये कहती हैं कि युवाओं को हम आगे लेना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं इससे खफा भी माने जाते हैं। दानिश एक बार फिर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, सदस्यता अभियान की शुरुआत आज होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी करेंगी, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहा है? प्रियंका गांधी चूंकि आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे और उनका कुछ 125 करोड़ सदस्यों का उनका अनुमान है कि आज वो सदस्यता अभियान में सबको शामिल करेंगी। और इसके बाद प्रियंका गांधी अभी लखनऊ पहुंच गई हैं और इसमें सदस्यता अभियान कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी महिलाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित कर चुकी हैं। अब प्रियंका गांधी का जो नया टास्क है वो ये है कि सदस्यता अभियान, जैसे जैसे जिस तरीके से बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही थी, बूथ सम्मेलन समाजवादी पार्टी अपना चला रही थी, ऐसे कांग्रेस पार्टी जो प्रियंका गांधी है उन्होंने आज इसकी शुरुआत कर दी है। प्रमोद तिवारी आए हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए, सभी लोग पहुंच रहे हैं मौके पर। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जनाधार है प्रियंका गांधी के आने से कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और प्रियंका गांधी बहुत ही सोच समझ कर धीरे धीरे एक कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल दानिश, और लगातार हम देख रहे हैं कि जब से प्रियंका गांधी सक्रिय हुई है तो कांग्रेस के जो नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश में उनमें भी एक अलग ही जान जो है वो नजर आ रही है, एक जान फूंक दी है पूरी पार्टी में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी एक महिला है, महिला होने के नाते एक इंदिरा गांधी चूंकि जानते हैं गांधी परिवार से बिलोंग करती हैं तो 70 सालों से राज कर चुकी हैं उनके परिवार के, तो प्रियंका गांधी को बखूबी मालूम है कि अगर उत्तर प्रदेश में जड़े जमाना है, उत्तर प्रदेश में अगर जान फूंकनी है और चुनाव में जो कुछ ही महीने रह गए हैं अगर उनको जनता को अपनी ओर आकर्षित करना है और अगर चुनाव में बाजी मारनी है तो वो महिलाओं के साथ साथ अब सदस्यता अभियान करेंगी। जो प्रियंका गांधी ने आज दावा किया है कि 105 करोड़ कम से कम सदस्यता के अभियान लगाएंगी आज। बिल्कुल दानिश, ये जो सदस्यता अभियान है इसका मेन मकसद कांग्रेस की तरफ से क्या है? ये तो है कि लाखों सदस्यों को जोड़ना है, इसके अलावा क्या मकसद इसका हो सकता है? जाहिर सी बात है, देखिए महिला हूँ लड़ सकती हूँ, इसके बाद जो प्रोग्राम था उनका कि उन्होंने कहा था कि छात्राओं को स्कूटी और लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिए जाएंगे, है ना। उसके बाद प्रियंका गांधी जो है, प्रियंका गांधी आज रस्ता अभियान कर रहे थे, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक चैलेंज है कि बीजेपी बूथ सम्मेलन कर रही थी, बीजेपी घर घर जाकर कह रही थी कि अब की बार भाजपा, बीजेपी ने जिस तरीके से नारा लगाया था कि अब भाजपा अपना परिवार, इस तरीके से प्रियंका गांधी भी आज बूथ सम्मेलन को करके ये साबित करेंगी कि उत्तर प्रदेश में कितना जनाधार हमारा बढ़ रहा है और महिलाओं के साथ साथ अब
उत्तर प्रदेश के जो पुरुष है, युवा है, छात्र है, उसका भी जनता जितने वोट है वो सब अपने ओर आकर्षित कर लेंगी। तो प्रियंका गांधी का जो ये मोटिव है आज का, इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि हमने हमारे साथ करोड़ों में कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में जुड़ चुके हैं। तो आप जान सकते हैं कि करोड़ों में ही तादाद में लोग जुड़ेंगे तो प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी है जिसमें जान फूंक दी गई है, प्रियंका गांधी लगातार दौरे पर है, वो लखनऊ में हर दूसरे तीसरे दिन हर हफ्ते कहीं ना कहीं कोई ना कोई सम्मेलन कर रही है। अभी जानकारी मिल रही थी कि प्रमोद तिवारी को शायद जो ब्राह्मणों को सम्मेलन करने वाली, दूसरों से जानकारी जो मिली है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वो बांटने वाली है मुस्लिमों को लेकर के, और इसके बाद जो दलित वोट है। बिल्कुल दानिश, प्रियंका गांधी के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो आज और क्या क्या कार्यक्रम प्रियंका गांधी के रहने वाले हैं? देखिए, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी सक्रिय है, महिलाओं से कुछ दिन पहले उन्होंने संवाद किया, मंदिरों में वो पूजा अर्चना कर रही हैं। इसके अलावा आगे अब क्या तैयारी है प्रियंका गांधी की? देखिए, प्रियंका गांधी आज जो तैयारियां उनकी है वो बूथ सम्मेलन को लेकर के, यानी कि आप सदस्यता अभियान चलाए करेगी। सदस्यता अभियान में हो सकता है कि शायद कोई ना कोई विभाग या कोई ना कोई जिम्मेदारी किसी को बांट सकती है, जैसे कि प्रमोद तिवारी मौके पर आएंगे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी मौजूद रहेंगे। तो इसमें यह लग रहा है कि आज जो सम्मेलन होगा वो सदस्यता के साथ साथ जिम्मेदारी बांटने पर भी हो सकता है कि किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि कुछ ही महीने चुनाव में रह गए हैं और प्रियंका गांधी जो सोच समझ के कदम बढ़ा रही है, उनकी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ये सदस्य जानकारी उठाने में जुटा हुआ है कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर मांग क्या है, जैसे कि बेरोजगारी मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है और साथ साथ जो महंगाई मुद्दा है, उस महंगाई मुद्दे को लेकर के प्रियंका गांधी ने अभी एक लेटर लिखा था। जैसे किसानों के बिल को जो प्रधानमंत्री ने वापस किया, तो प्रियंका गांधी ने साथ साथ खुद प्रधानमंत्री के नाम लखनऊ में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेटर दिया था। देखिए दानिश, आज किसान आंदोलन का एक साल पूरा हो रहा है, प्रियंका गांधी किसानों के मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा मुखर रही है, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो। क्या आज किसानों से बातचीत कर सकती है प्रियंका गांधी, क्योंकि यूपी आ रही है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी लगातार किसानों के टच में है। इस तरीके से गठबंधन समाजवादी पार्टी से आरएलडी का हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी हलचल मची हुई है कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ अगर जयंत चौधरी या उनकी पार्टी कही है तो कोई तमाम संगठन किसानों के, तो उनको प्रियंका गांधी को भी किसानों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा था कि मोदी जी, अगर आपने किसानों की किस चीज को वापस किया है किसान कानून को, तो लिखित में दे दें। और इसके साथ साथ में सीओ एनआरसी पर भी उन्होंने कुछ मंथन चल रहा है, इसलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आज मिला।